नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपकमिंग आईपीओ है केम आईपीओ के बारे में। दोस्तों, एक बेहतरीन आईपीओ है जिसमें आपको निश्चित है कि बेनिफिट हो सकता है, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको इस आईपीओ में प्राप्त हो सकता है अगर मार्केट हमारा स्टेबल रहता है, मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है तब। दोस्तों, मार्केट ही सबसे पहली प्राथमिकता है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है उसी पे सारे स्टॉक का जो तेजी है वो डिपेंड करता है, आईपीओ का लिस्टिंग डिपेंड करता है। तो अगर मार्केट फ्लैट भी बना रहता है तो निश्चित है कि आपको लिस्टिंग गेन जबरदस्त प्राप्त होगा। तो चलिए केम आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। इसमें द केम आईपीओ, इसका जो मतलब आईपीओ डेट है 21 सितंबर से चालू हो जाएगा, 23 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इश्यू टाइप जो है ये हमारा बुक बिल्डिंग है, और इसमें कहा जाए तो NSE जो अपना पूरा का पूरा जो स्टेक है वो सेल करेगा। प्रमोटर्स जो है हमारा NSE भी है और एक दूसरा प्रमोटर भी है, दोनों प्रमोटर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ऑफर फॉर सेल जो हमारा NSE है वो सेल करेगा सारा का सारा इक्विटी शेयर अपना जितना भी हेल्ड करता है प्रमोटर्स के रूप में। और इसका जो प्राइस है 1229-1230 रुपया है, दो प्राइस है जिसमें आप कट ऑफ प्राइस ही चूज करेंगे, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब्ड होगा तो फिर आपको नीचे के प्राइस पर मिलेगा ही नहीं। इसमें एक बेनिफिट्स और है कि एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट भी है 122 रुपये का, तो कोई भी एम्प्लॉय है इस कंपनी में तो उसे 122 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और ये BSE पर लिस्ट होगा क्योंकि NSE इसका प्रमोटर्स है, तो निश्चित है कि NSE प्रमोटर्स है तो ये BSE पे ही लिस्ट होगा, NSE पे लिस्ट नहीं होगा। जो ओपन ऑफर 21 सितंबर से, ऑफर क्लोज होगा 23 को, और जो इसका अलॉटमेंट होगा 28 सितंबर को होगा, और रिफंड जो होगा अलॉटमेंट के बाद 29 सितंबर को रिफंड मिलेगा आपको। और जो IPO शेयर लिस्टिंग रेट है वो 1 अक्टूबर को IPO हमारा लिस्ट होगा। तो ये सारा मतलब बेसिक डिटेल है IPO के बारे में। उसके बाद हम जान लेते हैं ये जो केम आईपीओ है, ये जो कंपनी है क्या करती है। तो इस कंपनी का पूरा नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। ये क्या करता है, म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिविडेंड को प्रोसेस करता है, इस तरह के जो फाइनेंशियल हमारा वर्क है उसको करता है। तो इसका जो मार्केट शेयर है देखते हैं 70% के आसपास है, यहाँ पर देख लीजिए 79.4% जो म्यूचुअल फंड का अलॉटमेंट होता है यूनिट का वो करता है, जो डिविडेंड का प्रोसेसिंग होता है उसको करता है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और बेहतरीन बिजनेस है, बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, और सारा का सारा चीज़ जो है वो डिजिटली है। यहाँ पर देखते हैं एज मैनेजमेंट सर्विस टेक्नोलॉजी ड्राइवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो हमारा डिजिटली करता है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इस पर किसी भी पैंडमिक का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अभी रुका है, तो जिसके कारण इस कंपनी का भी मतलब थोड़ा सा रेवेन्यू डिक्रीज होगा, लेकिन ओवरऑल कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्राइवन जो भी बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस्ड है उस पर कुछ खास फसल मतलब कुछ खास फर्क इस पैंडमिक का नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद कंपनी स्ट्रेंथ की बात करें तो लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर है म्यूचुअल फंड का, और इसका जो पोर्टफोलियो है काफ़ी डाइवर्सिफाई है, और इसका जो प्रेजेंस है पूरे पेन इंडिया में है। और सबसे बेहतरीन बात है कि ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इकोसिस्टम है इसका। और दूसरा जो प्रमोटर्स है इस कंपनी का वो यहाँ पर देखते हैं, ग्रेट ट्रेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एक NSE हो गया, दूसरा ग्रेट ट्रेन इन्वेस्टमेंट हो गया। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर आप देखते हैं, कंपनी के पास जो टोटल एसेट है लगातार इंक्रीज हुआ है, जो म्यूचुअल फंड का एसेट है जो प्रोसेस करता है, जो डिविडेंड का प्रोसेसिंग है, रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी का देखते हैं, रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर दे लीजिए 657 करोड़ का, 711 करोड़ का, 721 करोड़ का, तो लगातार इंक्रीज हुआ है। ये जून क्वार्टर का है, ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 20 का। तो यहाँ पर देख लीजिए जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है, 146 करोड़, 130 करोड़, 173 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस। और यहाँ पर जून क्वार्टर में बात करें तो 40 करोड़ का अकेले प्रॉफिट हुआ है जून क्वार्टर में, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद नीचे की बात करें तो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, तो यहाँ पर देखिए टू कैरी आउट दी ऑफर फॉर सेल अप टू इतना इक्विटी शेयर बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स स्टेक, जो शेयर होल्डर्स का स्टेक है प्रमोटर्स का NSE का, तो वो अपना स्टेक सेल करेगा। अगर और हम बात करें इसमें तो जो रिटेल इन्वेस्टर है इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, 35% देख सकते, 35% रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसमें रखा गया है। तो निश्चित है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपको शेयर इसमें अलाउट होगा, लेकिन
एक बात है कि इसमें आपको लिस्टिंग गेन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना कि आपने देखा होगा हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ में आपको मिला, उतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन आपको प्राप्त नहीं होगा। 100% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन प्राप्त हो, 100% छोड़िए 150% का लिस्टिंग गेन जैसे प्राप्त हुआ, उतना लिस्टिंग गेन आपको यहाँ प्राप्त होने वाला नहीं है, लेकिन लिस्टिंग गेन जरूर प्राप्त होगा अगर मार्केट अच्छा रहा है तो। तो दोस्तों ये था एक बेहतरीन वीडियो जिसमें हमने आपको केएम आईपीओ के बारे में बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब आप पहली बार हैं सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।